السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, students, our today's topic is median of grouped data under discrete frequency distribution. तो आज हम देखेंगे कैसे ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाला जाता है व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट, जब व्हेन देयर आर नो क्लास इंटरवल्स इन्वॉल्वड, जब क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे. बिल्कुल ही आसान है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाता हूं इसको. डेटा ग्रुप्ड होगा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो पहला कॉलम जो आएगा वो आएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड. कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं, ये हमारा एक्स आई रहेगा. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स लाए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी होती है. ये गिवन होगा मार्क्स, एक्स आई और एफ आई गिवन होगा. मान लीजिए 20 मार्क्स कुछ बच्चों को आए हैं, 25 भी कुछ बच्चों को आए हैं, 28 आए हैं कुछ बच्चों को, लेट अस से 29 भी कुछ बच्चों को आए हैं, थर्टी थ्री मार्क्स कुछ बच्चों के आए हैं, 38, 42 भी कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं, एंड 43. कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 आए हैं? मान लीजिए ऐसे बच्चे 6 हैं. लेट अस से हम किसी क्लासरूम की बात कर रहे हैं जिसमें, या किसी क्लास की बात कर रहे हैं इन विच द टोटल स्ट्रेंथ इज 100. 100 बच्चे टोटल क्लास में है. उन 100 बच्चों में से आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स आर सच हु हैव स्कोर 20 मार्क्स इन सम एग्जामिनेशन. 20 बच्चों को 25 मार्क्स आए हैं, 24 बच्चों को 28 मार्क्स आए हैं, 28 बच्चे ऐसे हैं जिनके 29 मार्क्स आए हैं, 15 स्टूडेंट्स आर सच हु हैव स्कोर 33 मार्क्स, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 38 मार्क्स आए हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 42 मार्क्स आए हैं, और ऐसा एक बच्चा है जिसके 43 मार्क्स आए हैं. देन इमीडिएटली इसके बाद हम क्या निकालते हैं? इसके बाद हम निकालेंगे समेशन एफ आई. समेशन एफ आई का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वो ऐड करेंगे हम एफ आई के कॉलम को, एंड ऑन एडिंग दिस आपको 100 मिलेगा. सो ये जो 100 आया, ये आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और समेशन एफ आई. तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है मीडियन में, जो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले वीडियो में सीखा, मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज टू अरेंज द डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर. आप डेटा को क्या कीजिए, आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए. नाउ ऑन ऑब्जर्विंग दिस एग्जाम्पल, जो हमने ये एग्जाम्पल ली, इसमें जो डेटा है आप देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है. दिस डेटा इज ऑलरेडी इन इट्स असेंडिंग ऑर्डर. ये डेटा जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, 20, 25, 28, 29. नाउ इन केस, इन सम क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आपको पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है. लेट अस से आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे था, 10 मार्क्स कुछ बच्चों को आए हैं, लेट अस से 7 बच्चों को, 12 मार्क्स 8 बच्चों को आए हैं, लेट अस से 9 मार्क्स आए हैं 3 बच्चों को, 2 मार्क्स आए हैं लेट अस से 4 बच्चों को. ये मान लीजिए सपोज डेटा ऐसे है. अब सबसे पहले
ये आपका यहाँ पे एक्स आई है और ये यहाँ पे आपका एफ आई। सबसे पहले इस डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, तो लिखना है ऐसे एक्स आई एफ आई वापस लिखना है। देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद आपको पहले वो लिखना है जो सबसे छोटा होगा, टू है सबसे छोटा, तो टू की फ्रीक्वेंसी लिखनी है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने इसको तो असेंडिंग ऑर्डर में लाया ऑब्जर्वेशन को, लेकिन फ्रीक्वेंसी को भी वो असेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं। नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आपने इस वाले एक्स आई वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, लाइक टू पहले लिखेंगे, देन यू विल राइट नाइन, देन यू विल राइट टेन, एंड देन यू विल राइट ट्वेल्व। अब टू की अपनी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यहां से इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लाना है, टू की अपनी फ्रीक्वेंसी लिखनी है जो कि फोर है। देन आपका नाइन आ गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्री, देन टेन की फ्रीक्वेंसी सेवन, और 12 की फ्रीक्वेंसी 8। इस तरह से ये बन गया। अब मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया, यहाँ पे ऑलरेडी इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए दिखाया, इन केस द गिवन डेटा इज नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। और वो कैसे करेंगे, जस्ट लाइक आई शोड, बिल्कुल इस तरह से आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो सबसे पहली बात, मीडियन निकालने के लिए आप डेटा को अरेंज करेंगे इन एन असेंडिंग ऑर्डर। देन उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाली। अब जैसा आपने अनग्रुप्ड वाले में देखा, व्हेन यू फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा व्हिच इज अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन निकालने से पहले आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो इवन है या ऑड है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं जो आपने वो ऑलरेडी सीखा है। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन से डिनोट करेंगे अगर एन ऑड है, तो मीडियन जो होगा ये बराबर होगा एन प्लस टू बाई वन, सॉरी एन प्लस वन बाई ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन। ये वाली ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करनी है, वो मीडियन होगा। इफ एन इज इवन, पहला केस था एन इज ऑड, दूसरा केस है अगर एन इवन होगा, तो मीडियन बराबर होगा एन एन बाई ट्वेल्थ प्लस एन बाई टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टू। ये वाली ऑब्जर्वेशन निकालनी है एन बाई ट्वेल्थ, और एन बाई टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन निकालनी है, फिर डिवाइडेड बाई टू करना है, वो मिलेगा आपको मीडियन इफ एन इज इवन। लेकिन ये था जब डेटा अनग्रुप्ड होगा। नाउ व्हाट अबाउट व्हेन इट्स ग्रुप्ड एंड द फ्रीक्वेंसी इज डिस्क्रीट, जैसा कि अभी हमारी एग्जांपल है। इसमें भी बिल्कुल हम यही याद रखेंगे, इवन और ऑड का मामला यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एन को निकालेंगे। एन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए, इट इज वेरी इजी टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दिस केस। कैसे, देखो 20 को जब आप देखेंगे ये 6 बार है, तो 20 6 बार होने का मतलब है, जब आप इसी डेटा को अनग्रुप में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 20 को 6 बार लिखना है, ठीक है जी, 20 को 6 बार लिखना है, फिर 25 को 20 बार लिखना है। तो ये करते करते टोटल कितने आएंगे, वो वही आएगा ना जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। सो इन दैट केस हम कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 100 है, बिकॉज 26 बार है, सो 20 टाइम्स 6, 25 20 बार है, 25 टाइम्स 20, 28 जो है ये 24 बार है, 28 टाइम्स 24। तो इस तरह से जो टोटल ऑब्जर्वेशंस होगी वो हमारी होगी 100, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें पता चलता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो यहां पे पता चला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम लिख सकते हैं हियर, यहां पे इस तरह से एक लाइन डाल लो, सो यहां पे आप लिख सकते हो हियर जो n है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, That is 100. वो 100 है, because summation fi से आपको पता चला कितनी total observations है. 100 है. अब बोलिए 100 जो है, which is it even or odd? It is even. हमने क्या देखना है? Even देखना है या odd देखना है? सबसे पहले. अगर even है,
तो आपको पता होगा मीडियन जो होगा, देयर फोर मीडियन, मीडियन इज डिनोटेड बाय एम, मीडियन बराबर होगा, अब इवन है ना तो किसके बराबर होगा, एन बाई ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई टू, इसके बराबर होगा। इट्स लाइक एवरेज ऑफ एन बाई ट्वेल्थ एंड एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। नाउ द क्वेश्चन इज एन बाई ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन आप कैसे ढूंढेंगे। नाउ इट्स वेरी सिंपल, एन कितना 100, सो यू गो 100 डिवाइडेड बाई ट्वेल्थ प्लस 100 डिवाइडेड बाई टू प्लस वन एथ होल डिवाइडेड बाई टू। अगेन सॉल्विंग, 100 बाई टू इज 50, सो 50th प्लस 50 प्लस वन इज 51th डिवाइडेड बाई टू, 50th प्लस 51th को हम 51st कहते हैं, डिवाइडेड बाई टू। दैट मीन्स ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फाइंड द 50th ऑब्जर्वेशन। अब आपको पता करना है 50th ऑब्जर्वेशन कौन होगी और 51st ऑब्जर्वेशन कौन होगी, वो निकालना है, उनको एड करना है, डिवाइडेड बाई टू करना है, दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड मीडियन, वो आपका मीडियन होगा। नाउ ऐसे ही बाय जस्ट लुकिंग ऑन द डेटा, अब ऐसे आप नहीं बोल सकते हो आसानी से, है बिल्कुल देख कर आप नहीं बोल सकते हो ऐसे, थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा जिससे हमारा काम जो है आसान होगा। उसके लिए हम एक और कॉलम देते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो वी एड वन मोर कॉलम ओवर हियर व्हिच इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब व्हाट इज दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन अब याद रखेंगे। समझो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप डिफाइन करेंगे इसका मतलब है द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड, CF से इसको डिनोट किया जाता है, CF इस तरह से स्मॉल में, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ईच फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग ईच फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल to the sum of its predecessors. या simply इसको हम कहते हैं it is denoted by CF, इसको इस तरह से CF से डिनोट किया जाता है। ये होती है फ्रीक्वेंसी हिदरटो, सिंपल वर्ड्स में अगर समझना है हम इसको ऐसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी हिदरटो। फ्रीक्वेंसी हिदरटो का मतलब है जिस रेफरेंस पॉइंट पे आप हो उस रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस वैल्यू तक क्या फ्रीक्वेंसी होगी, जिस पॉइंट पे आप हो वहां तक की फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी हिदरटू, या जैसे हमने समझा कि इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ईच फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू द सम ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स इज डिनोटेड बाय सी। ये इसकी डेफिनेशन याद रखो, अब समझते हैं ये होता क्या है। देखिए वापस यहां पे आते हैं,
सबसे पहले क्या कहा हमने, इसको सीएफ से हम डिनोट करते हैं जस्ट लाइक दिस। नाउ देखिए, जब आप सिक्स पे हो, सिक्स तक आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी सिक्स है पहले रो की, तो सिक्स तक फ्रीक्वेंसी सिक्स ही होगी। अब आप 20 पे पहुंचे, अब आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, इस 20 तक टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी होगी दिस प्लस दिस, सो दैट इज 26। सिक्स एंड देन 26, नाउ नेक्स्ट रो में अब 24 आपका रेफरेंस पॉइंट है, 24 तक टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट्स लाइक दिस, ये प्लस ये सारों को ऐड करना है। इन अदर वर्ड्स आई एम गोइंग टू ऐड, देखिए पहले में आपने इसको इसके साथ ऐड किया, सो यू गॉट दिस, नाउ यू विल ऐड दिस टू दिस, यू विल गेट द नेक्स्ट वन, ठीक है जी। सो 26 प्लस 24, क्योंकि आपको ये सारा ऐड बेसिकली करना है, ये सारा ऐड करना है, सो ये सारा ऐड करने का मतलब है यू विल गेट 26 प्लस 24, व्हाट इज दैट, यू विल गेट फॉर दैट 50। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब इस पॉइंट तक सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, इन अदर वर्ड्स मैं 50 को 28 के साथ ऐड करता हूं, ठीक है ना, सो डूइंग लाइक दैट यू विल गेट 78। नाउ नेक्स्ट इज 78 प्लस 15, दैट इज 93, नाउ 93 प्लस 4 दैट इज 97, 97 प्लस 2 इज 99 एंड 99 प्लस 1 इज 100। यहाँ पे आपका चेक होता है कि आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई वो बराबर हो गई कि नहीं, क्योंकि नीचे तक पूरा एंड होकर टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है। सो जिस पॉइंट पे आप होंगे, जिस फ्रीक्वेंसी के पॉइंट पे आप होंगे, वहां तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इससे फायदा क्या आएगा, देखिए समझिए बात को, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द 50th ऑब्जर्वेशन, आपको देखना है 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी। नाउ ऑन ऑब्जर्विंग दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम यू विल इजीली गेट द 28th ऑब्जर्वेशन। देखिए क्या मतलब, 28th ऑब्जर्वेशन, सॉरी 50th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो 28 होगी। देखिए किस तरह से, ये जो 28 है, बात को समझिएगा, ये जो 20 है ये कितनी बार आ रहा है, ये 6 बार आ रहा है, 6 टाइम्स। ये 25 जो है ये आ रहा है 20 टाइम्स, 20 बार। तो यहां तक कितने नंबर टोटल गए, 6 बार 20 और 20 बार 25, मतलब यहां तक टोटल 26 नंबर्स चले गए। तो ये इसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यहां तक 26 नंबर्स गए। इसके बाद 28 आ रहा है, 28 24 बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी हमें बोलेगा 28 कितनी बार अकर हुआ, सो 28 24 टाइम्स आएगा, 28 24 टाइम्स आएगा। सो दैट मींस व्हाट इट इंडिकेट्स, देखिए बात को आप समझिएगा, इसका मतलब है सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो है, अगर हम ऐसे इसको देखेंगे, पहली ऑब्जर्वेशन जो है नंबर वन पे वो है 20, नंबर टू पे भी 20 है क्योंकि 6 बार 20 लिखना है, नंबर थ्री पे भी 20 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरह नंबर सिक्स पे भी 20 है। नाउ नंबर सेवन पे कौन है, 6 बार 20 कंप्लीट हो गया, नाउ नंबर सेवन पे 25 होगा, नंबर एट पे भी 25 होगा क्योंकि 25 को 20 बार आना है, ठीक है जी। तो इसी तरह चलते गए तो ये पूरा सिस्टम जो है 26 तक चलेगा, क्योंकि 20 में से 6 बार 20 आ गया और 7 नंबर से 26 तक, वही तो हो गया ना 20, क्योंकि 20 बार 25 को आना है, सो 26 सीरियल नंबर पे भी 25 ही होगा। अब 27th सीरियल नंबर पे कौन होगा, अब 28 आएगा, नेक्स्ट इज 28, तो अब आएगा 28, 28 को कितनी बार आना है, 28 को 24 टाइम्स आना है, तो 27 पे 28 होगा, 28 पे भी 28 होगा, 29 पे भी 28 होगा, इसको 24 बार आना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरह
सॉरी 26 सीरियल नंबर पे 25 होगा, 26 सीरियल नंबर पे 25 होगा, तो 25 27th पे भी 27th पे 28 होगा, 28th पे भी, जी ठीक है, हाँ तो यही चलता जाएगा अप टू 50th। तो 50th पे, क्योंकि 50 तक यहां हम देख रहे हैं, 50 तक ये जा रहा है, 24 ऐड करके 50 तक जा रहा है, तो 50th वाली ऑब्जर्वेशन भी कौन होगी, 28, जो हमारी रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन है। 50th ऑब्जर्वेशन हमारी रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 50th ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें, 50th ऑब्जर्वेशन आ गई 28। तो आगे चलेंगे 51, अब नेक्स्ट नंबर आएगा, क्योंकि यहां तक तो 24 कंप्लीट हो गए, अब 29 को आना है, जो कि 28 बार आएगा, जो हमारी 51st ऑब्जर्वेशन होगी, तो 51st ऑब्जर्वेशन कौन होगी, 29। सो दैट्स हाउ यू गेट द ऑब्जर्वेशन, जो आपको रिक्वायर्ड प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी वो आपको इस तरह से निकल जाएगी। दैट बीइंग सेड, इसके बाद आप क्या करेंगे, 50th ऑब्जर्वेशन अब आपने देखी कौन आई, 50th ऑब्जर्वेशन, इट्स 28, then plus 51st observation is 29, then you do divide it by 2, अब इन दोनों को add करेंगे, you'll get 48, 57, divided by 2, आपने क्या किया, 28, added to 29, so you get 57 divided by 2, Now 57 divided by 2 is 28.5, and 28.5 is nothing but your required median. ये हो गया आपका median जो आपको find करना था. So that's how you find the median of grouped data under discrete frequency distribution. Hope you have understood this. See you next time with some new stuff, inshallah. Till then, take care. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.